गुड एम सी फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सीओम राज हेल्दी लाइफ में। साथियों, आज मैं हाजिर हूँ एक फिर से शानदार प्रोडक्ट वीडियो लेकर, और आज मैं आपको बताने वाला हूँ इस प्रोडक्ट्स की क्या खासियत है जिसके सहारे हम अपने हेल्थ को कैसे ठीक रख सकते हैं। साथियों, कहते हैं कि जल ही जीवन है, लेकिन इसको सही तरीके से कहा जाए तो हम कह सकते हैं शुद्ध जल ही जीवन है। आप गौर करें कि जो हम पानी पी रहे हैं, क्या वो सही रूप से, पूर्ण रूप से वो साफ है? निश्चित रूप से जो आप पानी पी रहे हैं वो साफ नहीं है। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ वो साफ नहीं है। चाहे आप कोई भी पानी पी रहे हो, वो साफ नहीं है। मार्केट में जितने भी आपको आरओ मिल रहे हैं, वो पूर्ण रूपेण हमारे पानी को अल्कलाइन नहीं बनाते हैं। तो साथियों, मैं आपको आज एक ऐसे प्रोडक्ट वीडियो के बारे में बताने वाला हूँ। वैसे आप मेरे थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे। जी हाँ, आज मैं बात करने वाला हूँ अल्कलाइन एंटीबैक्टीरियल वाटर बोतल। यस, आप देख रहे होंगे अल्कलाइन एंटीबैक्टीरियल वाटर बोतल, और ये जिसे बनाया है आईएमसी ने। जी हाँ, आईएमसी हमेशा हमारे स्वास्थ्य के प्रति गंभीर रही है, और हमारे स्वास्थ्य को गंभीर बनाने के लिए बेहतरीन प्रोडक्ट का उत्पाद करती रही है। तो आइए आपको हम बताते हैं कि आज हमारे पास जो अल्कलाइन एंटीबैक्टीरियल वाटर बोतल है, इसकी क्या खासियत है और कैसे यह पानी को एसिडिक से अल्कलाइन बना देती है। तो आइए इसमें आपको हम दिखाने का प्रयास करते हैं। पहले इसको हम अनबॉक्स करते हैं आपके सामने, इसको देखते हैं कि इसके अंदर क्या है और कैसा बोतल है इसके अंदर। जी हाँ, ये शानदार सा बोतल, इसको हम इसके ऊपर जो प्लास्टिक का कवर लगा हुआ, इसको भी हम एक बार हटा देते हैं, और फिर आपको हम बताएंगे कि कैसे हमारे पानी को एसिडिक से अल्कलाइन की ओर 2 से 5 मिनट के अंदर ले जाता है। जी हाँ, आपने देखा आईएमसी का अल्कलाइन एंड एंटीबैक्टीरियल मिनरल वाटर बोतल, आपने यहाँ पे मेरे हाथों में देखा ये चमचमाती बोतल, बहुत ही सुंदर। इसको अनबॉक्स करने के लिए यहाँ से आप इसको दबाते हैं और ऊपर से इसको खोलते हैं, और जस्ट इसको दबाते हैं ये कैप खुल जाता है और इस पानी को आप पी लेते हैं। आखिर इसमें कौन से वैसे चीज़ हैं जो हमारे एसिडिक पानी को अल्कलाइन 2 से 5 मिनट में बना देता है? तो हम आपको इस बारे में चर्चा करके बता देते हैं। जी हाँ, इसके अंदर डाला हुआ है 5 तरह के बॉल्स। बिल्कुल, ये 5ों बॉल्स कौन कौन से हैं मैं आपको बता दूं। पहला है हाइड्रोजन ओआरपी बॉल, जो क्या करता है, रिडक्शन करता है, अल्कलाइन को करेक्शन करता है, और पानी को पीएच वैल्यू जो होता है 7 to 9 के बीच में रखता है। उसके आगे दूसरा जो इसमें बॉल डाला हुआ है अल्कलाइन कैल्शियम बॉल, ये क्या करता है, ये भी अल्कलाइन को करेक्शन करता है और पानी के पीएच मान को 7 से 9.5 के बीच बनाता है, मिनरल को रिलीज करता है और पानी को मिनरलयुक्त बनाता है। तीसरा जो है इसमें आप देख रहे होंगे, ये तीसरा जो बॉल्ब है ये पोटेशियम बॉल्स है, ये मिनरल को रिलीज करता है और पानी को अल्कलाइन बनाता है। अगला चौथा जो बॉल्ब है नैनो सिल्वर एंटीबैक्टीरियल बॉल्स। जी हाँ, ये सिर्फ पानी को अल्कलाइन नहीं बनाता है, एंटीबैक्टीरियल बनाता है, यानी कि इसके अंदर जो बैक्टीरिया होती है उसको भी किल कर देता है, ख़त्म कर देता है और हमारे पानी को पीने योग्य बना देता है। और सबसे लास्ट में आप देख रहे होंगे निगेटिव आयन बॉल्स, ये क्या करता है, पानी से निगेटिव आयन को रिलीज कर देता है और वाटर को एक्टिवेट करके पीने लायक बना देता होगा। सबसे नीचे आप देख रहे होंगे पानी के पीएच वैल्यू को दर्शाया गया है। जी हाँ, आप सभी जानते हैं कि जो हमारा पीएच लेवल होता है 7 पे न्यूट्रल होता है, और 7 से पहले 6, 5, 4, 3 जो होता है वो एसिडिक होता है, और 7 के बाद 8, 8.5, 9, 9.5, 10 और 11 जो होता है अल्कलाइन होता है। यानी कि ये जो 5ों बॉल्स है ये मिलकर जैसा ही हम इस बोतल में पानी को डालते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं आपको स्टेप्स में बता देता हूँ। स्टेप 1 में आपको क्या करना है, फिल द बोतल विथ वाटर, इस बोतल को पानी से भर लेना है, शेक द बोतल, आपको हिला देना है बोतल को, और इसको 2 से 5 मिनट तक रख देना है, और 2 से 5 मिनट के बाद ये हमारे पानी को अल्कलाइन बना देता है और पीने योग्य बना देता है। तो साथियों, मुझे उम्मीद है कि आप इस बोतल की खासियत को पूरी तरीके से समझ गए होंगे, और यदि ये जानकारी आपको रियल में अच्छी लगी हो
और इस बोतल का पानी यूज करना चाहते हो, अपने आप को स्वस्थ रखना चाहते हैं, अपने परिवार के लोगों को स्वस्थ रखना चाहते हैं। जी हाँ साथियों, जैसा कि आप जानते होंगे कि आपके घर में आरओ वाटर लगा हुआ है, लेकिन आप ट्रेवल के दौरान अपने ऑफिस में, क्या उस आरओ वाटर से मिलने वाले पानी का जो पीएच लेवल है वो 7 से ज़्यादा है? क्या वो पानी को अल्कलाइन बना रहा है? बिल्कुल नहीं। मार्केट में जितने ही मिलने वाले आरओ हैं, आप उसमें बड़े सावधानीपूर्वक गौर करें कि वो पानी को अल्कलाइन बना रहा है या नहीं, नहीं तो आप ठगा हुआ महसूस करेंगे और पानी को 5 साल से 10 साल तक पीने के बाद सिर्फ साफ पानी पीते पीते अपने शरीर को एक बहुत बड़ी बीमारी के रूप में आप कन्वर्ट कर लेंगे। तो साथियों, इसी का ख्याल रखते हुए हमारे ट्रैवलिंग के लिए, हमारे ऑफिस के लिए, या फिर जो लोग अपने घर में आरओ नहीं लगवा रहे हैं उनके लिए आईएमसी बहुत ही बेहतरीन उत्पाद लेके आई है। और आईएमसी का दूसरा नाम विश्वास है, भरोसा है। आपके भरोसे पर 100% खरा उतरती है 14 वर्षों का संघर्ष आईएमसी के साथ। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पूरी तरीके से पसंद आया होगा, और जब आप इसे यूज़ करना चाहेंगे तो कमेंट बॉक्स में आप इसे ज़रूर लिखें, मैं आपको इसकी सारी डिटेल्स आपके पास अवेलेबल करा दूंगा। थैंक यू, लव यू ऑल, गुड एमसी।